भाई क्या नाम है के मुकंदीलाल, आप कौन? भाई हम गमछुदागंज के तहसीलदार हैं। यहाँ पर एक बड़े बाबू हुआ करते, वो कहाँ है? हम यहाँ हैं। अरे तहसीलदार साहब नमस्कार, आइए आइए बैठिए, क्या हाल चाल है? भाई हाल गीले हैं और चाल ढीले हैं बड़े बाबू। भाई आपको तो पता है कि भारी बरसात के चलते लापतागंज के आसपास के इलाके बाढ़ में डूब गए। भाई 17 साल में हमने ऐसी बाढ़ नहीं देखी। अच्छा, लेकिन पिछले साल जब आप आए थे तब भी आपने यही कहा था। नहीं, गलत। हमने कहा था कि 16 साल की नौकरी में हमने ऐसी बाढ़ नहीं देखी। तब हमारी नौकरी 16 साल की थी और आज 17 साल की। कमाल है, आपकी नौकरी के साथ साथ बाढ़ भी फिक्स है और मंत्री जी का आना भी फिक्स है। जी मतलब? मतलब ये कि हर साल की तरह मंत्री जी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने आ रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट नीचे गिराएंगे, फिर यहाँ आएंगे, हमारे साथ लंच करेंगे और चले जाएंगे। जी जब लंच के पैकेट लेकर आ ही रहे हैं हेलीकॉप्टर से गिराने, तो 2-4 उसी में से खा ले, फिर यहाँ क्यों आना? भाई ये प्रथा है और लापतागंज के डाक बंगले के अलावा आसपास कुछ नहीं बचा है। भाई बड़े बाबू डाक बंगला खुलवाइए और लंच का इंतजाम करवाइए। जी जी मुकुंदी बाबू, ये जिम्मेदारी आपकी। जी हमारी? हाँ। हमने किसी मंत्री को लंच वंच नहीं कराया है। लो मूर्ख है क्या? भाई मंत्री जी का लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो भी करवाते हो वो तुम तो करवाते हो। हम? भाई मंत्री और नेता ऐसा प्राणी है कि जो जो भी खाता है वो जनता का ही खाता है। भाई बड़े बाबू समय कम है, लंच का इंतजाम कराइए, बहुत काम है। जी जी मुकुंदी बाबू, कल आपकी ऑफिस से छुट्टी, मंत्री जी की सेवा में लग जाइए और उन्हें लल्लन टॉप लंच करवाइए। जी लल्लन टॉप विद लॉलीपॉप है? जी। जी ये है लापतागंज का डाक बंगला। भाई क्या नाम है कि गुमशुदागंज का तो इससे भी बड़ा है लेकिन फिलहाल पानी के नीचे पड़ा है। भाई क्या नाम है कि इतनी बाढ़ आई कि हाथी के साइज का पानी है। हाँ हाथी रख के नापा था क्या? भाई हाथी अगर बचता तो हम जरूर नापते, हम तो मिसाल दे रहे। भाई क्या नाम है कि वहाँ इतनी बाढ़ आई कि बाढ़ को देख कर सब भाग गए और जो बचे थे वो बह गए। भाई चलो अच्छा है ये डाक बंगला सलामत है, कम से कम यहाँ तो बाढ़ नहीं आई। अगर ये भी बह जाता तो माय डियर मंत्री जी कहाँ लंच करते। ये आप मंत्री जी के लंच को लेकर इतने उतावले क्यों हैं? अगर आप नहीं खिलाएंगे तो क्या मंत्री जी भूखे रह जाएंगे? भाई क्या नाम है कि तुम समझोगे नहीं। आहा भाई क्या है कि बाढ़ में किस मुस्तैदी के साथ हमने काम किया है इसकी रिपोर्ट तो केंद्र को जाएगी और उस रिपोर्ट कार्ड लंच की सफलता पर निर्भर करता है। भाई अगर मंत्री जी प्रसन्न हुए तो कहेंगे कि वाह तहसीलदार साहब, बाढ़ राहत में आपने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया है। भाई तरक्की भी तो कोई चीज़ होती है ना। और अगर लंच ठीक नहीं हुआ तो भैया बाढ़ के आने से लेकर बाढ़ की तबाही तक का सारा जिम्मा मुझ गरीब का। ओहो, तो आप अपने जूनियर्स पर मर दीजिएगा। अरे वो सब साले बाढ़ में बह गए पर हमको तो लगता है कि छुट्टी पर गए हैं। भाई एक काम कीजिएगा, ओहो यहाँ की साफ सफाई करवा दो और खाने में मुर्गे बनवा दो। भाई क्या है कि मंत्री जी जब दौरे थक जाएंगे तो भैया जब मुर्गे उनको जोश दिलाएंगे। ये लो मुर्गे। हाँ? ये मुर्गे हम गुमशुदागंज से लेकर आए हैं। हाँ? पर आप तो कह रहे थे कि गुमशुदागंज में बाढ़ आ गई है, कुछ नहीं बचा, तो फिर ये मुर्गे? भैया क्या नाम है, हम दिखने में घंटे हैं पर है नहीं। जब हम लोगों को बाढ़ से बचा रहे थे तब हमको मालूम पड़ा कि सरकारी मुर्गा पालन केंद्र में पानी घुस रहा है, तो हम लोगों को छोड़कर तुरंत वहां गए और मुर्गे मुर्गियां बचा लाए। भाई बाढ़ में गांव डूब जाए चलेगा पर मुर्गे मुर्गियां नहीं डूबने चाहिए, पशु प्रेम भावना भी तो कोई चीज है। जी हाँ,
जब मंत्री जी और बड़े अधिकारी बाढ़ की तबाही का मुआयना करने आएंगे तो नाश्ते में अंडे और मुर्गे तो खाएंगे। भाई देखो तुम समझदार हो पर दिखते नहीं हो। भाई ये मुर्गियाँ कम वक्त बाढ़ के, अरे बेटा कम वक्त बाढ़ के पानी से तो बच गई, लेकिन मंत्री जी के खाने से कैसे बचेंगी? भाई वैसे यहाँ खाना कौन बनाता है? जी वैसे तो सब छुट्टी पर है, पर हम कुछ इंतजाम करते हैं। चलो भाई तुम कुछ इंतजाम करो, तब तक हम यहाँ आराम करते हैं। बाढ़ बाढ़ आ जाए इससे अच्छा कि छाता खोल के सो जाऊं, बाढ़ आएगी तो पानी से बच जाऊंगा। अबे तुमको हमने पहले ही बोला था, वो पौंताई जो तुमने गद्दा मारा वो गद्दा मारने की जरूरत ही नहीं थी यार, लट्ठा मार देते कट जाती पतंग, लेकिन तुम हो के मानते थोड़ी ना हो बात को। पांडे क्या है यार, तुम्हारे बिजी कार्यक्रम में से हमें थोड़ा सा समय चाहिए। अरे भाई मुकंदी भैया आप जानते हैं कि टाइम छोड़ के हमारे पास जो है सब कुछ है, डीपी बिजी है। सुनो तो इसीलिए तो तुम्हारे पास आए हैं, वो कहा है कि कल मंत्री जी लंच पे आ रहे हैं। लंच पे आ रहे हैं आपके घर? नहीं नहीं हमारे घर नहीं, डाक बंगले में। अच्छा अब कहा है कि बड़े बाबू ने सारी जिम्मेदारी हमारे सर मढ़ दी है, हमने कभी किसी मंत्री को दावत नहीं दी है, तो समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। अरे भाई मुकंदी भैया टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, हम हैं ना। हाँ भैया ने मंत्री जी के आप बहुत दावत खाई है चोरी चोरी। पता है उनकी लड़की की शादी में भैया लड़के वाला बन के घुस गए थे और लड़के की शादी में लड़की वाला बन। अबे यहाँ दावत खानी नहीं है खिलानी है, और यहाँ डाक बंगले में ना कोई खाना बनाने वाला है और ना खिलाने वाला, अब हमारी नौकरी पर बनाएगी अगर मंत्री जी खुश नहीं गए तो। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, हम हैं हम खाना खा लेंगे। क्या बे? अब हमारे कहने का मतलब ये है कि हम खाना खिला देंगे, लेकिन खाना बनाएगा कौन? अरे आंटी से बनवा लो। अबे लकड़ मारेगी। सॉरी भाभी। ऐसा बोलेगी वो। अच्छा अरे तो मतलब भाभी से बनवा लो। हाँ इंदुमती बनाएगी। अरे समझने की कोशिश करो इंदुमती, अब सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर है, नेता को लंच कराना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, हम आज तक किसी नेता को लंच नहीं कराए। तो कराओ ना। मतलब ये जरूरी है, समझा करो। कौन गड़बड़ हो गई तो? अरे का गड़बड़ होगी, तुम इतना लल्लन टॉप खाना बनाती हो कि मंत्री जी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बनाना कहाँ है? एक मिनट। अरे भाई क्या बात है, अभी तो नेताजी आए नहीं है, भाई लंच का समय हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर से खाना गिराते गिराते खुद ही गिर गए? अबे चुप रहो कड़ी खाए, शुभ शुभ बोले भाई, हमारी तरक्की रुक जाएगी और देश की तरक्की हो जाएगी। अबे नेताजी के डूबने से देश की तरक्की कैसी होगी है? आ गए नेताजी, आ गए। अबे नेताजी तो आ गए लेकिन हेलीकॉप्टर कहाँ है? अबे भाई उनका ये गुप्त दौरा है, पब्लिसिटी करना नहीं चाहते हैं। क्या बात है भाई, इस बार तो बड़ी अच्छी बाढ़ आई है आसपास के गांव में। अच्छी बाढ़? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ी अच्छी फसल हुई है इस बार। देखिए भाई बाढ़ सूखा ये सब नेताओं के लिए फसल ही होती है, साल भर इंतजार करते हैं बाढ़ आने का, अब देखिए बाढ़ आ गई है, फसल कटेगी कच कच कच। मंत्री जी इस साल 12 गांव बाढ़ में डूबे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। चार ज्यादा, पिछले साल तो 8 ही गांव डूबे थे। बाढ़ भी आप ही की तरह तरक्की पर है, पिछले साल आप उपमंत्री थे, इस साल आप पूर्ण मंत्री हैं। क्या नाम है? अब आइए। अरे कहाँ आइए, भूख लगी है भाई, जल्दी चलिए। आइए मंत्री जी, आइए आइए भाई मंत्री जी, आप थोड़ा विश्राम करें, आप थोड़ा थक गए, आराम से आराम से आइए मंत्री जी, भाई थोड़ा सा विश्राम करें, आप दौरा करते करते थक गए होंगे। एक मिनट भाई, मैंने अपने 17 साल की नौकरी में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी।
लेकिन भाई मैंने अपने 17 साल के मिनिस्ट्री में ऐसी अनेकों बाढ़ देखी है और हर साल देखते हैं। अच्छा मंत्री जी, पापा कसम बता रहे हैं, बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है। आप बहुत डीपली घुस के लकी हैं कि आप इस प्रदेश के मंत्री हैं। और फिर बाढ़ क्या, आपने तो अकाल भूकंप दंगे सभी देखे होंगे। भाई मंत्री जी, हम तो विश करते हैं आपका, आप हमेशा मंत्री बने रहे और ऐसे फेस्टिवल हमेशा देखें। अरे ईमानदार तहसीलदार साहब, आप विश करो चाहे डिश करो, हम तो मंत्री बने रहेंगे। वैसे मेरी एक आदत है, आदत क्या यूं कहिए कि मेरा सिद्धांत है, मैं ऐसे क्षेत्रों का दौरा खुद करता हूँ और अपनी आंखों से सब कुछ देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। आपको तबाही देखना अच्छा लगता है? नहीं भाई, नहीं नहीं, गलती से निकल गया। हाँ भाई, लोगों की हालत देखता हूँ ना तो मेरे मन में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ता है। और चेहरे पर भी सर? जी सर। अरे बेटी, नहीं बेटा, नीचे बैठो। हाँ दिखाओ क्या। ये देखिए सर, जब पानी में फंसे लोगों को खाने का पैकेट फेंकते फेंकते एक लड्डू आपने खा लिया था, कैसे रोने लगे थे आप सर। तुम्हारे फोटो के लिए मैं हमेशा अपना चेहरा उदास बनाता रहा हूँ। और तभी हम आपकी फोटो खींच लेते हैं। अरे भाई तहसीलदार साहब, यहाँ आइए, खाने उने क्या है, तैयार है कि नहीं? भाई क्या नाम है कि भाई जी मुकुंदी लाल। अरे कुछ भी हो भाई, मंत्री जी भूखे हैं भाई, खाना वाना लगवाओ। कहाँ है खाना वाना? अरे भाई लगवा देंगे, इतनी जल्दी क्या है, तस्वीर तो खिंचा ले दो यार, क्या कह रहे हो तुम यार। ए गुरु पापा कसम, तुम चुप रहो। अच्छा अच्छा चलो बीजी बैठे, खाना लेके आते जी, ला रहे हैं। वाह मुर्गा मुर्गा भाई मुर्गा। अरे तहसीलदार साहब, आपने इंतजाम बहुत ही बढ़िया किया। धन्यवाद। वाह वाह क्या बात है, बहुत ही मजेदार। जी हमारी वाइफ ने बनाया है। क्या बात करते हैं। क्या नाम है, पकड़ कर तो हम लाए थे, पूरा गांव बाढ़ में डूब गया था, एक भी आदमी नहीं बचा, लेकिन हमने अपनी जान पर खेल कर इस मुर्गे को बचाया। अरे तहसीलदार साहब, आपने बाढ़ राहत कार्य बहुत ही निष्ठा के साथ निभाया है। धन्यवाद जी। बाढ़ में आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े और ना जाने कितने लोग चले गए, उनका क्या। अरे भाई ये जनाब कौन है? ये लापता गंज डाक बंगले के इंचार्ज है। जी डाक बंगले के इंचार्ज नहीं है, डाक खाने के छोटे बाबू है। छोटे बाबू हैं। अरे भाई आप छोटे बाबू हैं तो छोटी बात कीजिए, बड़ी बात क्यों करते हैं, जो चले गए उसके बारे में क्या सोचना। गीता पढ़ा आपने, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, किसके लिए रोना है, किसके लिए धोना। जो मर गया उसके लिए क्या सोचना, जो बचा है उसके लिए सोचिए। क्या सोचे, जो बचा था उसे तो आपने खत्म कर दिया जी। क्या नाम है मंत्री जी, आप थोड़ा पुलाव लीजिए ना। भाई तहसीलदार साहब, आपका जो हमारे प्रति समर्पण है वो लाजवाब है। धन्यवाद। आपका परिश्रम प्रशंसनीय है। आप चिंता मत कीजिए, हम दिल्ली जाएंगे और मीडिया को बुला के बाढ़ की स्थिति के बारे में बताएंगे। और आप लोग भी चिंता मत कीजिए, आप लोग के बारे में भी बताएंगे कि इन लोगों ने राहत कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या बचाया भाई आप लोगों ने? जी मुर्गे को। हाँ अगर नहीं बचाते तो इस बाढ़ग्रस्त इलाके में हम मर जाते हैं। ये बताइए इस बाढ़ में कितने लोग मरे हैं? क्या नाम है, तकरीबन 160 लोग मरे हैं और 200 जानवर स्वर्ग धार गए। क्या करें, बाढ़ का पानी हाथी के साइज का था। एक बार बताइए मुर्गा और मुर्गी? वो एक भी नहीं मरे। जी मुर्गा बाढ़ और अकाल जैसी आपदा से तो बच सकता है, लेकिन आपसे कैसे बचेगा। तो हम आपदा हैं। क्या नाम है, कुछ मंत्री जी के लिए कुछ मीठे का इंतजाम करो। बीजी पांडे को भेजा है हमने। भैया सुरीली भाभी के चक्कर में रुक गए होंगे। तो ठीक है हम लेके आते हैं। हाँ जाइए जी। क्या खाएंगे? छेना मुर्गी खाएंगे। छेना मुर्गी? भाई क्या है कि मंत्री जी को मुर्गे मुर्गियों से इतना प्रेम है कि मुर्गा खाने के बाद भी वो मुर्गियाँ पसंद करते हैं। जी जल्दी जाओ। तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब। अरे मंत्री जी सो गए।
दिखता नहीं है, सो रहे हैं। अरे इसीलिए तो जगा रहे हैं, बाढ़ का पानी लापतागंज की तरफ आ रहा है। अच्छा, गांव में कितने मुर्गे मुर्गियां हैं? जी एक ही बची थी, ले आए। तुम तो मिठाई लेने गए थे, छेना मुर्गी वो कहाँ है? ये लाए है ना, ये छेना, ये मुर्गी। मुर्गे कहाँ? मुर्गी कहाँ मुर्गी? अरे नेता जी, हमारे पास नहीं है, मुकुंदी भैया के पास है। जी ये छेना और ये मुर्गी। अरे तहसीलदार साहब, आपने बड़ा ही जबरदस्त इंतजाम किया है। धन्यवाद। सुनो, ये छेना हम खा लेते हैं और मुर्गी को तुम लपेट के रख लो। अभी दूसरे गांव दौरे पे जाना है, अब वहां जा करके अगर इनके जैसा तहसीलदार ना मिले जो मान खातिर ना करे, तब प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मंत्री जी, जरा अपनी रिपोर्ट में जरूर लिखिएगा। ऐसा है तहसीलदार साहब, अब हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम यहाँ से जाते ही आपके तरक्की के बारे में सोचना शुरू करेंगे। मंत्री जी, मंत्री जी, कुछ नेता टाइप के लोग इधर ही आ रहे हैं। जरूर ये विपक्ष वाले होंगे, हमारे हेलीकॉप्टर दौरा पे ये सवाल खड़ा करेंगे। नहीं नहीं, उनके हाथ में तो फूल मालाएं हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम देख कर आते हैं। हाँ चलिए। मंत्री जी, वो बाढ़ पुलिस सहायता समिति के लोग हैं जो आपका सम्मान करने आ रहे होंगे। क्या? मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। नहीं भाई नहीं, इस दुख की घड़ी में नारेबाजी अच्छी बात नहीं, हमें अकेला छोड़ दीजिए। मंत्री जी, ये चौबे जी हैं, इन्होंने बाढ़ पुलिस लोगों के लिए लाखों रुपए चंदे में इकट्ठे किए हैं और गबन भी किया है। अरे भाई, जनसेवा में ये सब चलता है, चंदा का पैसा खा के ही तो ये जनसेवा में दिन रात काम पे जुटे रहेंगे। मंत्री जी, जिंदाबाद। मैंने कहा ना, इस दुख की घड़ी में ये फूल माला मेरे लिए कांटे के समान है। भीषण भीषण तबाही मची है। जब मैं हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहा था तो नीचे चारों तरफ पानी ही पानी, पानी को देखकर मेरे आंखों में पानी आ गया। हमें खुशी कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, तो बाढ़ जनता का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनसे बचेंगे तो बाढ़ कुछ बिगाड़ेगी ना। मंत्री जी, अभी भी समय है, मुर्गियों के विषय में नहीं, जनता के विषय में सोचिए, यहाँ की जनता के विषय में। सुना है कि बाढ़ का पानी इस गांव से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, तो हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। पर हमारे गांव में बाढ़ राहत का कार्य, उसका क्या? तहसीलदार, इसे समझाओ भाई, बाढ़ राहत कार्य बाढ़ आने के बाद होता है, बाढ़ आने के पहले नहीं। पहले बाढ़ तो आने दो। पर आप तो जा रहे हैं। अरे हम वापस आ जाएंगे, हम अभी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए हैं। जब तुम्हारे गांव में बाढ़ आएगी तो फिर हम दौरा करने आ जाएंगे। लंच खत्म हो गया? नहीं, वहां पड़ा है, खा लो। अरे भाई, छेना मुर्गी जरूर खाइएगा। मंत्री जी जिंदाबाद। मंत्री जी, मंत्री जी, सौंप तो रह गई, ये खाने के बाद हाजमा दुरुस्त रखती है। राजनीति में कब से हो बेटा? जी नया हूँ। इसीलिए नहीं जानते, नेता को हजम करने के लिए किसी सौंफ या हाजमे की गोली की जरूरत नहीं होती, उसकी पाचन शक्ति अपने आप में एक अजूबा होती है, कब कहाँ क्या हजम हो जाता है पता ही नहीं चलता। इससे पहले कि बाढ़ का पानी आ जाए, निकल लीजिए। चलिए 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 चलिए। रिपोर्ट कार्ड पर रिपोर्ट। मंत्री जी, केंद्र के तालिबान साहब, अरे तहसीलदार साहब, बाढ़ का पानी घुस रहा है और आप अभी तरक्की की बात कर रहे हैं। मंत्री जी आइए बैठिए। मंत्री जी, हाँ, केंद्र में केंद्र की रिपोर्ट। मंत्री जी, केंद्र में केंद्र की। अरे अभी जाने दीजिए, तरक्की की बात करेंगे। चलिए केंद्र की रिपोर्ट। चलो 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 जी, केंद्र की रिपोर्ट। मंत्री जी, धक्का मार धक्का मार धक्का। मंत्री जी, ये सच है कि ऐसी बाढ़ और सूखा आम आदमी के लिए तबाही लाता है और नेताओं के लिए लंच का निमंत्रण। ऐसे ही लंचों के कारण आज भी राहत कोष का असली हकदार इंतजार कर रहा है।